नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर. हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. टू लेंथ होती है और टू ब्रेथ होती है रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर हो गया टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. दिस इज द डायगोनल ए बी सी डी. डायगोनल की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर और लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर. डायगोनल इज 41 एंड लेंथ इज 40 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करेंगे. रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हमें पता है सभी एंगल्स जो है 90 डिग्री होंगे. होते हैं रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री. सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी, हमने ये ट्राइंगल ले ली एबीसी, ये ली. अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. एसी है 41, बीसी हमें फाइंड करना है और ए बी है 40. 41 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 1681. 40 स्क्वायर इज 1600. सब्ट्रैक्ट होगा इधर आके 81 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर. यहां क्या है, बीसी क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 81. 9 इंटू 9 इज 81, तो बीसी आ गया 9 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. दो लेंथ है पेरीमीटर की जो सॉरी रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है इक्वल होती है, देयरफॉर टू टाइम्स कर दिया हमने. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी. ए बी हमें पता है 40, बी सी हमने फाइंड किया 9. सो 2 इंटू 49, 9 टू आर 18, 4 टू आर 8 प्लस 1 98 सेंटीमीटर. सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. क्लियर. पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम. रेक्टेंगल के केस में टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया हमने. रेक्टेंगल है, एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस अप्लाई किया, साइड फाइंड की, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में वैल्यूज पुट की. क्लियर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर.